नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को जिले की सेसागंज कस्बे में थी। बुधवार को उन्होंने फिरोजाबाद जिले में महिलाओं के साथ सख्ती संवाद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिरोजाबाद के सेसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज में महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि परिवर्तन लाना है तो एकजुट हो जाना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा, कोई उन्हें राजनीति में कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं से कार्यक्रम का शुभारंभ प्रियंका गांधी ने किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले करीब 40 फुट लंबे पंडाल के मंच पर घूम घूम कर आए हुए महिलाओं एवं अन्य लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद आई हुई महिलाओं में से कुछ महिलाओं युवतियों को मंच पर बुलाया गया तथा उनसे बोलने को कहा गया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी, मुकेश गौड़, आशीष तिवारी, शशि शर्मा, संजय यादव, धर्म सिंह यादव, स्मृता बबली आदि थे। कार्यक्रम की एंकरिंग सुप्रिया सिंह ने की। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ विकास पालीवाल की कार्यक्रम। पुलिस को अगर लड़कियां बरसाई करती है, बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं, आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं, आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती। महिला है, अगर वो महिला एकजुट हो जाए, अगर जुड़ जाए, मन बना ले कि हम अपने देश को बदलेंगे, अपनी राजनीति को बदलेंगे, तो ये देश जरूर बदलेगा और नेता जवाबदेह बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, काफी इंतजार किया आपने, मुझे थोड़ी देर भी हो गई,